सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर हमला, मुख्यमंत्री जी आपने बेगूसराय की घटना पर ये क्या बोल दिया। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बुधवार को ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। इसके साथ ही वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री पर मामले को जातीय रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन आप हंस रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि NH के किनारे तो कहीं घनी आबादी है ही नहीं, मिक्स पॉपुलेशन है, इसीलिए यह कहना कि अपराधी जाति देखकर मार रहे थे सही नहीं है। अपराधी किसी को जाति देखकर नहीं मार रहे थे, लेकिन आपने इसे जातीयता से जोड़ दिया। आपको मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जतानी चाहिए थी, लेकिन आपने इसे सामान्य घटना की तरह लिया। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। वैसे भी यदि यह साजिश थी तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस इतनी कमजोर है कि उसे साजिश का पता तक नहीं चला। इससे पूर्व ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि बेगूसराय जिले में NH 28 पर बाइक सवार अपराधियों का अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए 30 किलोमीटर तक बेरोक गुजरना और 11 निर्दोष राहगीरों को निशाना बनाना बिहार के आपराधिक इतिहास की ऐसी पहली घटना है जिससे लोगों को डर से हिला दिया। बिहार में अपराधियों के इस दुस्साहस ने सरकार का इकबाल खत्म कर दिया। एक पिस्टल से नीतीश सरकार की औकात बता दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध के तुलनात्मक आंकड़े देकर और मुख्यमंत्री नीतीश रूटीन समीक्षा बैठकों की खानापूर्ति से भयमुक्त शासन का भरोसा नहीं दिला सकते। कानून का राज अब नीतीश कुमार की USP नहीं रहा, सुशासन अब उनकी जुबान पर नहीं आता। जब महागठबंधन सरकार में आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री बाहुबली या दागी है और कानून की नज़र में अभियुक्त को भी कानून मंत्री बनाने में संकोच नहीं किया गया, ऐसी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती क्या कर पाएगी। पटना में अपराधियों के समर्थकों ने DSP की वर्दी फाड़ी, थाना घेरा और पूर्व MLC उनके बचाव में आए, लेकिन नीतीश कुमार पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाली कार्यवाही नहीं कर पाई।